नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के बारे में बात करेंगे। आप लोग सब जानते हैं कि वो एक महान सिंगर थे और अनेकों पुरस्कार उनको ज़िंदगी में मिले। उनको तकरीबन 5 बार नेशनल अवार्ड मिला, पाँच छः बार उनको फिल्म फेयर मिला, एक बार बॉम्बे में भी उनको फिल्म फेयर मिला और कई पद्मश्री पद्म भूषण के खिताब से उनको नवाजा था। और प्रोफेशनल लेवल पे 2 बार हमने उनके साथ काम किया। एक हमारी फिल्म थी वादे इरादे, जिसमें तकरीबन हम लोगों ने 3 गाने उनको गवाए थे। और फिर एक फिल्म थी जिसका टाइटल क्रिमिनल था, उसमें मुकेश भट्ट जी और महेश भट्ट जी, वो जानते थे कि हम लोग डबिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो हिंदी जो उसका वर्जन था वो, उसमें उन्होंने हमको मद्रास बुलाया था और वहाँ हमने बालाजी से एक गाना गवाया था, उनसे डबिंग की थी। तो वादे इरादे, वो सुबह आए थे और तीनों गाने वन आफ्टर अनदर वो उन्होंने गाए। तो एक गाने में ऐसा हुआ कि एक अल्फाज में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि जैसा वो चाहिए था वैसा वो प्रोजेक्ट हो नहीं रहा था और उसमें काफ़ी वक्त निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं उनको ज़्यादा तो प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बड़े का अदब होता है, वो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने बोला कि, और उस टाइम ऐसा था कि लंच टाइम भी आ गया था, तो मैंने बोला कि बालाजी आपको जैसा एक बार ट्राई करिए, जैसा होता है वैसे अपन कर लेंगे। तो सिंगर लोगों का अपना एक स्वाभिमान होता है, तो वो बात उनको उन्होंने सोच के उसको एकदम एक्यूरेट गा दिया। और उसके बाद तो फिर एक बार जब काम अच्छा हो जाता है तो सारी चीज़ें फिर नॉर्मलाइज हो जाती हैं, सारी बातें। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद एक अल्फाज के लिए इनको इतना देर मैंने उनको लंच रोक के उनको खड़ा रखा, तो ये मुझे थोड़ी अखरी बात, क्योंकि मैंने शायद ज्यादती ना की हो। तो लंच के बाद मैं ऐसे बाहर निकल रहा था, तो वो शायद कोई एक आधे लोग के साथ वो बैठ खड़े होकर बात कर रहे थे, तो मैं गया उनके पास। बोले सर, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई होप यू डिडंट माइंड माई टेलिंग यू टू डू इट्स। ओ नो नो नो, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट सिलेक्ट एंड डिलीट इट। इस तरह से उन्होंने यही अल्फाज जुमला यूज़ किया था उन्होंने, मुझे बड़ा नया और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने बोला देखिए ये उस बात को किस तरह से उन्हें एक डिजिटल शेप दिया उस वक्त। वो बेसिकली काफ़ी पढ़े लिखे सिंगर थे, वो इंजीनियर थे एक्चुअली, और वो उनके माता पिता, शायद पिता उनके चाहते थे कि वो इंजीनियर ही बने, लेकिन उनका जो लगाव था संगीत से इतना ज़्यादा था। तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ को हम जब पूरी शिद्दत से ढूंढते हैं तो वो चीज़ हासिल हो जाती है, ये भगवान का लॉ है। तो वो संगीत में ही लगे रहे और फिर उन्होंने सैकड़ों गाने गाए, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, तकरीबन 40,000 गाने गाए उन्होंने। तो जब मुझे बोले तो मैं भी बहुत रिलैक्स हो गया, और वो गाना बड़ा खूबसूरत गाना था वो। हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें, हम अपना नाम लेकर बुलाने लगे तुम्हें, दीवाने दीवाने लगे तुम्हें, हम अपना नाम लेकर। ये एक गाना था, ये बहुत तबीयत से उन्होंने गाना गाया और ये मुझे भी बहुत पसंद है। और भी उनके गाने सोलो थे, एक एक भी गाना था उनका। तेरी जिंदगी है अजब एक तराना, तेरी शायरी का है आशिक जमाना, तेरी जिंदगी है अजब एक तराना,
शायरी का है आशिक जमाना। तो जब ये गाने वाने हो गए, हम लोग बहुत खुश थे और वो सुबह आए थे और रात को, रात की फ्लाइट से वो मेरे ख्याल से वापस साउथ चले गए थे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक फिल्म, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट की फिल्में हम काफ़ी कर रहे थे और वो हमारी कैपेसिटी जानते थे, हमारे प्लस पॉइंट जानते थे, हमारे एसेट उनको पता थे। तो मुकेश जी ने कहा कि भाई देखो, एक फिल्म है साउथ की, क्रिमिनल नाम है उसका, लेकिन उसका म्यूजिक डायरेक्टर अलग है, लेकिन वो साउथ इंडियन है, तो उसका हिंदी वर्जन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डब करो। उसमें इंदिवर जी भी थे, इंदिवर जी ने भी गाने लिखे थे उस पिक्चर में। बाला साहब के साथ हम एक पिक्चर तो कर ही चुके थे, बहुत अच्छा तालमेल हो गया था और वो एक गाना डब कर रहे थे बहुत रिलैक्स, बड़े मूड में। तो करते करते उन्होंने, जब वो खुश होते थे तो उनका पिच ही कुछ अलग हो जाता था। तो बोला, कैन यू गिव मी वन मोर ट्रैक प्लीज? तो मैं बोला, यस यस सर। तो फटाक से साउथ के लोग ने एक और ट्रैक दे दिया। तो गाना चल रहा था तो उसमें एक फ्रेज था जहाँ पर उन्होंने डबिंग करते वक्त ही सोच लिया होगा कि मैं इसको ऐसे सम पे लाऊंगा, और जब वो डब कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने सेकंड वॉइस ऐड की, तो वो उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी इतनी, आजकल जैसा हो जाता है वैसा नहीं था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बोला भाई कमाल है यार इन्होंने तो। और फिर वो जहाँ जहाँ जगह आई उसको उसमें सेकंड वॉइस ऐड कर दी उन्होंने। तो मैं बोला, सर यू दिस वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया, आई रियली लव्ड इट, द साउंड हैज एलिवेटेड हेल ऑफ अ लॉट। नो नो, आई जस्ट एडेड सेकेंड नोट टू इट, नथिंग मोर। तो इस तरह से मैं जब भी कभी उनको याद करता था तो उनके ये अच्छे मोमेंट्स याद करता था, क्योंकि ये एक ख़ास मेरी ज़िंदगी की एक अहम, आप समझ लीजिए एक फेज़ है जो उनके साथ मैंने गुजारा। और मैं उनको हमेशा भी, जब भी याद करूंगा तो उनके अच्छे काम को सोच के याद करूंगा, कि उन्होंने जीते जी समाज को, म्यूजिक लवर्स को इतना कुछ दिया है कि वो अगर वो दोनों हाथों से भी लुटाएं तो ख़त्म नहीं होगा। मैं वो जहां कहीं भी हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां, जितना उनको सम्मान मिला इससे कहीं ज़्यादा वो दूसरे जहां में भी उनको उसी तरह सम्मान मिले। आप लोग सब भी यही प्रे करिए। वी विल मिस यू बालाजी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर बींग सो काइंड एंड सो नाइस टू अस एंड गिविंग अस सच अ वंडरफुल टाइम एंड सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच।